हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। एक अनदर वीडियो जो एजीआर की खबर है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। और वोडाफोन आइडिया में आने वाले दिनों में काफ़ी हलचल हो सकती है। अब कंपनी ने का कहना है कि वो बैंक गारंटी नहीं दे सकती है। सारी खबर आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस बीच निफ्टी लगभग 10,000 के ऊपर ही बंद हुआ है और बैंक निफ्टी लगभग 20,956 के आसपास और सेंसेक्स 34,000 के आसपास, यानी में तेज़ी बनी हुई है। और आपने देखा कि ढेर सारी खबरें बनी हुई थी इंडिया और चाइना के बीच, और अभी आपने देखा कि जो बैंकों का इंटरेस्ट के मामले में, ये एजीआर का भी लगभग 2-3 हफ्ते के बाद होगा। फिलहाल फिलहाल वोडाफोन आइडिया को काफ़ी वक्त देने की कोशिश की जा रही है और स्टॉक अभी ऊपर की तरफ है। बट ये है कि तरह से वोडाफोन आइडिया में काफ़ी हलचल है, काफ़ी उतार चढ़ाव है। और ये अभी आप देख रहे हैं कि न्यूज़ बेस्ड काउंटर बना हुआ है और इसमें देखिए, जो भी रिटेलर्स हैं या भी जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो अपने रिस्क के अनुसार ही करना चाहिए, अपने पॉकेट के अनुसार ही करना चाहिए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी सारा कुछ जानना चाहते हैं तो उसी के अनुसार अपना डिसीजन लेने की भी कोशिश, एजीआर की जो खबर है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। कोर्ट में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और वोडाफोन आइडिया ने क्या कहा, तो आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। सबसे पहले देखिए, वोडाफोन नहीं दे सकती बैंक गारंटी। सुप्रीम कोर्ट को बताया 1 लाख करोड़ रुपये का घाटा है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपने 1 लाख करोड़ रुपये के घाटे का हवाला देते हुए कहा है कि वो बैंक गारंटी देने की स्थिति में नहीं है। दूसरी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने कहा है कि कंपनी को सरकार के साथ बकाया राशि पर बात करनी चाहिए। इस मामले में टेलीकॉम विभाग ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों ने हलफनामे दायर कर दिए हैं, मगर उन्हें सरकार को एजीआर की बकाया राशि के भुगतान की समय सीमा और रूपरेखा तैयार करने के लिए समय चाहिए। तो ये एक खबर है, और तो समय चाहिए। और टेलीकॉम विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसने सरकारी कंपनियों से 96% एजीआर भुगतान की मांग वापस ले ली है। देखिए, ये जो अभी वीडियो भी पोस्ट किया है पावर ग्रिड का, गेल का, तो उन कंपनियों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि ये जब भी एजीआर की न्यूज़ आती थी या हेयरिंग होती थी, उनका कंपनियों में गिरावट आ जाती। देखिए, इसकी जो लगभग लाखों में इन्होंने बनाया था, जिसकी कीमत 3.7 लाख करोड़ रुपया है। देखिए, सरकारी कंपनियों के लिए बड़ा अच्छी खबर है। देखिए, भुगतान की मांग वापस ले ली है जिसकी कीमत 3.7 लाख करोड़ है, तो 96% ले ली है, तो एक तरह से पूरा ही समझ के चलिए। और इसमें से आपको पावर ग्रिड और गेल का जो शेयर्स हैं वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और पिछले कुछ समय से उनमें जब भी ये खबर आती थी वो गिरावट रहती थी, तो एक अच्छी खबर उन कंपनियों के लिए है, पीएसयूज कंपनियों के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया से पिछले 5 साल के मुनाफे और आयकर रिटर्न की जानकारी मांगी है, क्योंकि वोडाफोन ने कहा है कि पिछले 4-5 साल से उनको घाटा ही हो रहा है। वोडाफोन ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि आज के समय में कोई बैंक उसे लोन नहीं देगा और उसे पैसे चुकाना पड़ेगा, उसे पैसा चुकाना पड़ा तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी। कंपनी ने कामकाज जारी रखने के लिए किस्तों में भुगतान ही एकमात्र रास्ता है। देखिए, ये जैसे कि गवर्नमेंट ने 20 साल के लिए दिया है तो किस्तों में भुगतान करेगी कंपनी आने वाले दिनों में। अब ये हो सकता है कि 20 साल की जगह 12 साल, 15 साल या 10 साल हो सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या पता अगले 20 सालों में कंपनी दिवालिया हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को वाजिब समाधान के साथ पेश होने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जानता है कि इस महामारी के दौर में सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर ही पैसा छाप रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वोडाफोन आइडिया इस सेक्टर की इकलौती कंपनी नहीं है, सरकार को संकट की घड़ी में पैसे की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को जुलाई के 3रे सप्ताह तक टाल दिया है, तो ये ध्यान रखिएगा, अब 3रे सप्ताह जुलाई के 3रे सप्ताह में होगा। अगर आप कारोबार करते हैं तो ये आप वोडाफोन आइडिया के लिए अभी मुश्किल की घड़ी है। बट ये है कि अभी जिस तरह से खबरें आ रही है, कोई स्टेक ले लेगा, जैसे कि गूगल का भी आया था, तो अब देखना पड़ेगा किस तरह से ये रोड मैप बनाते हैं, उसी के अनुसार कंपनी का शेयर भी चलेगा। और कंपनी एक तरह से मान के चलिए कि जब तक एजीआर का जो ये इशू है ख़त्म नहीं हो जाएगा, तो इसी तरह से स्टॉक में उतार चढ़ाव रहेगा। बट अब की बार जो रिटेलर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है। और जिस तरह से कंपनी का, तो ये मान के चलिए कंपनी रहेगी, बट ये है कि अब
सरकार कितना राहत देती है, 20 साल के लिए तो पीएल दाखिल किया था, बट ये एक सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आप डिफॉल्ट हो गए तो ये सारी चीज़ें जानना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, उसी के अनुसार फिर अपना डिसीजन भी देंगे। तो फ्रेंड्स, ये वोडाफोन आइडिया का आप लोगों के लिए अपडेट था AGR का, और उसी को बताने की कोशिश थी। काफ़ी लोग इसमें ट्रेड भी करते हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव होता है वोडाफोन आइडिया में, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो भारती एयरटेल का जो स्टॉक है वो नीचे की तरफ तो नहीं आ रहा, बट ये है कि अभी अगर नीचे की तरफ दिखता है तो आप डेफिनेटली उसको लेने की कोशिश करिए, और लंबे समय के लिए काफ़ी अच्छा वो स्टॉक हो सकता है। और ये वोडाफोन आइडिया भी काफ़ी अच्छा ट्रेड करा रहा है, तो इसमें अपना जो ट्रेड होता है अपने पॉकेट के अनुसार, और पेनी स्टॉक में स्पेशली अपने पॉकेट के अनुसार, पेनी स्टॉक में एक तरह से कभी कभार सो भी जाते हैं, फिर कभी एक तेज़ी भी आ जाती है, और वोडाफोन आइडिया पिछले 6 महीने से काफ़ी एक्टिव भी है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए AGR की खबर थी। अब जुलाई के 3rd वीक में देखना पड़ेगा किस तरह की खबर आती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अगर कंपनी अपना रोड मैप देके अगर उसको अप्रूव कर देता है तो काफ़ी अच्छा स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, अगर नहीं हो पाता अगली डेट आती है तो स्टॉक में प्रेशर बना रहेगा। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस YouTube चैनल को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।